हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया, अमेजिंग प्रिया ब्लॉग से। तो हाँ जी, फिर वही टॉपिक मैं लेके आई हूँ। जैसे कि यूट्यूब पे जो चल रहा है, जब भी यूट्यूब ऑन करो तो वही एक ही तरह की वीडियो आती है, सचिन मनीषा। यूट्यूब पे भरमार है तीन लोगों की वीडियो की। तीन लोगों के जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, इन सब की भरमार है यूट्यूब पे। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग क्या नेहा तिवारी को जीने नहीं दोगे? आप लोग क्या चाहते हो? नेहा तिवारी जिए ना, वो मर जाए, आत्महत्या कर ले। आज नेहा तिवारी ने खुद लाइव आके बोला कि अगर मुझे कुछ होता है तो मैं तीन लोगों को ज़िम्मेदार ठहराऊँगी, मैं लिख के जाऊँगी। नेहा तिवारी ने बोला है आज लाइव में आके। तो आप लोग क्या चाहते हो? नेहा तिवारी आत्महत्या कर ले? उसकी 6 साल की बेटी है, तो उसकी बेटी का देख रेख आप लोग करोगे? आप लोग जो इतने व्यूज़ छाप रहे हो, इतने नोट छाप रहे हो, एक न एक वीडियो अपलोड करके, डेली वीडियो अपलोड करके, डेली लाइव आके आप लोग व्यूज़ बटोर रहे हो और पैसे छाप रहे हो, डॉलर छाप रहे हो, तो क्या करें? नेहा तिवारी मर जाए? इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करो, बंद करो। अरे यार, माना कि गलती हो गई नेहा तिवारी से, और कहीं ना कहीं सचिन की भी मुझे ज़्यादा गलती लग रही है। कहीं ना कहीं नहीं, श्योर हूँ मैं, मुझे नेहा तिवारी से ज़्यादा कहीं ना कहीं सचिन की गलती ज़्यादा लग रही है। तो सचिन को आप लोगों ने ऐसे छोड़ दिया, उसको कोई नहीं बोलने जा रहा है, अपने रिश्ते बढ़ाने में लगा हुआ है, अपनी बीवी के साथ अपना मतलब अच्छे से रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहा है। और नेहा तिवारी बेचारी सिंगल है, तो क्या करे, मर जाए? उसकी सगाई हुई थी, अब वो लड़का जो जिसे सगाई किया था नेहा तिवारी ने, उस लड़की का नाम है सुमित महल। तो आज लाइव आके नेहा तिवारी ने ये भी बोला था कि सुमित महल से मेरा सारा रिश्ता मतलब तोड़ दिया, सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए, सगाई तोड़ दी। कहने का मतलब सगाई तोड़ दिया नेहा तिवारी। तो क्या एक अकेली औरत को आप लोग जीने नहीं दोगे? मतलब कुछ भी आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग अब इस तरह की वीडियो मत बनाइए। जिसे देखो, जो न्यू क्रिएटर हैं वो भी, जो मिलियंस वाले हैं वो भी, सब सचिन मनीषा नेहा तिवारी, सचिन मनीषा नेहा तिवारी, सब वही टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, उसी टॉपिक पे। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि सब ने नोट छाप लिए, सब ने वीडियो अपलोड करी, अच्छे व्यूज़ आए और सबका डॉलर बढ़ा, सब्सक्राइबर भी बढ़े, डॉलर भी बढ़ा। ओ 10 दिनों से इस टाइप की वीडियो चल रही है, मतलब 10 दिनों से ये कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो 10 दिनों में आप लोगों ने डॉलर तो छाप ही लिया होगा। तो अगर डॉलर आपके छप गए हैं, आपने डॉलर बहुत सारा छाप लिया है, तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत जोड़िए, कुछ भी मत कहिए। जो रियल टॉपिक है उसी पे वीडियो अगर बना रहे हैं तो उसी पे बनाइए, रियल टॉपिक पे वीडियो। कोई कह रहा है नेहा प्रेग्नेंट है, कोई कह रहा है नेहा भाग गई, कोई कह रहा नेहा कुछ, कोई कह रहा नेहा कुछ, कोई कह रहा नेहा कुछ। एक महिला को आप लोग, एक सिंगल महिला को आप लोग जीने नहीं दोगे? ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? मतलब बिल्कुल भी आप लोगों को शर्म नहीं है? कुछ भी मतलब कहते जाओगे, जो मन में आएगा वही कह लोगे? अगर एक औरत बेचारी तो नहीं कहूँगी मैं, खैर उसकी भी गलती है, बहुत ही ज़्यादा गलती है, तो अगर दो लोग हैं, एक गलती में दो लोग हैं, तो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए,
सचिन को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, सचिन को भी सजा मिलनी चाहिए। सचिन मनीषा सॉरी सचिन नेहा बराबर के गुनहगार हैं। एक लोगों को आप लोग सजा मत दीजिए, कुछ भी बोल के कुछ भी कह के आप सचिन के ऊपर वीडियो बनाइए अगर बनाना है तो। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी तो क्या करें, वो चैनल भी डिलीट कर दे, चैनल भी ना चलाए अपना, जो कि उसकी रोजी रोटी है, उसकी 6 साल की बेटी है, उसी से उसकी बेटी की पढ़ाई लिखाई खर्चा सब होता है यूट्यूब से, तो क्या करें वो चैनल भी डिलीट कर दे। आप बिल्कुल भी जीने नहीं दोगे आप लोग तो, प्लीज़ स्टॉप, रुक जाइए। आप लोग सचिन मनीषा नेहा के ऊपर वीडियो मत बनाइए यार, जिसका बेस जो भी है, जिसका चैनल जिस बेस पे है, तो अपने बेस की वीडियो बनाइए, अपने जैसी भी वीडियो आप बनाना चाहें आप बनाइए, बट सचिन मनीषा नेहा के टॉपिक की वीडियो मत बनाइए। बहुत व्यूज़ आप लोगों ने छाप लिया, व्यूज़ के लिए वो लोग भी व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहे हैं, और आप लोग भी व्यूज़ के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी, मतलब जो मन में आ रहा है। एक कमज़ोर लड़की है, कमज़ोर अब तो कमज़ोर ही है बेचारी, उसका कोई सपोर्टर नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, तो एक कमज़ोर लड़की को, एक कमज़ोर महिला को देख के आप लोग कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत कहो। बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं इस दुनिया में होती है, लेकिन जैसा इस कंट्रोवर्सी पे जितना बवाल मचा हुआ यूट्यूब पे, जितना गंद फैलाया जा रहा है यूट्यूब पे, कि मैं क्या ही बताऊं। आप लोग इस टॉपिक पे आप वीडियो मत बनाइए, अपने अपने चैनल से रिलेटेड वीडियो बनाइए जो भी आप बनाते हैं, और मुझे किसी महिला की बेइज्जती बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है यूट्यूब पे, नहीं आती है कि किसी भी बेस पे आप लोग वीडियो, महिलाओं की रिस्पेक्ट कीजिए, महिलाओं का भी फर्ज बनता है खैर, लेकिन आप लोग जो भी मतलब देखते हैं, मतलब कोई भी, जैसे कि नेहा तिवारी आज लाइव आई थी, उन्होंने बोला जो उससे 2-3 साल पहले जिससे जिसकी लड़ाई हुई होगी वो भी अब आके भी, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, और आप लोग अपने चैनल से रिलेटेड वीडियो बनाइए, जो चैनल आपका है उस चैनल से रिलेटेड वीडियो बनाइए, और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अगर मेरी बातों से किसी को कष्ट पहुँचा हो, दुख पहुँचा हो, तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। अब मैं करती हूँ वीडियो को बंद, मिलते हैं एक इसी टाइप की वीडियो, अगर ऐसा चलता रहा तो इसी टाइप की वीडियो फिर लेके आऊँगी, तो बाय।